हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्री रिलेशन एंड लेबर लॉ को। तो बात करते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। इससे पहले मैंने कई सारे टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने कवर कर रखा है इंडस्ट्री रिलेशन एंड लेबर लॉ से, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। आज़ादी के बाद विधि शास्त्र की एक नई शाखा का जन्म हुआ था जिसे कि औद्योगिक विधि कहा जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता काल में ये विधि जो है वो विकसित नहीं हुई थी, लेकिन आगे चल करके देश में उद्योग के क्षेत्र में प्रगति होने के साथ ही साथ औद्योगिक विधि का विकास हुआ। औद्योगिक विधियों से भारत का एक बहुत ही बड़ा जनसमुदाय प्रभावित हुआ। कुछ लोग इन विधियों के सीधे प्रभाव के अधीन हैं, जैसे कि उद्योगपति और श्रमिक। शेष ऐसे लोग हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप में इन विधियों के प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः क्या है, किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ की औद्योगिक समृद्धि पर निर्भर करता है, और देश की उन्नति देश के उद्योगों पर निर्भर होने के कारण औद्योगिक विधियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं? कोई औद्योगिक विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण को या तो विवाद से आबद्ध उभय पक्षकारों की सहमति पर या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करना उपयुक्त समझे जाने पर विचार हेतु संदर्भित किया जा सकता है। दूसरा, उक्त न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पंचाट को अधिक से अधिक एक वर्ष या इसके भीतर के निश्चित अवधि तक के लिए उभय पक्षकारों पर बंधकारी माना जाएगा और इसका प्रवर्तन सामान्यतः सरकार द्वारा किया जाएगा। कुछ परिस्थितियों में हड़ताल और तालाबंदी पर प्रतिषेध लगा दिया गया है। किन किन परिस्थितियों पर प्रतिषेध लगा दिया गया है? जब तक कि सुलह और अधिनिर्णय की कार्यवाहियां चल रही हो, जब तक कि सुलह की कार्यवाहियों में किए गए समझौते लंबित हों, और जब तक कि न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए ऐसे पंचाट लंबित हैं जिनको बंधकारी होने की मान्यता उपयुक्त सरकार द्वारा दी जा चुकी है। लोकहित यानी आपात की स्थिति में उपयुक्त सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त 6 महीने से अनधिक की अवधि के लिए कतिपय प्रमुख उद्योगों को लोक उपयोगी सेवा के अंतर्गत घोषित करने के लिए प्राधिकृत हैं। इस प्रकार के विधानों का दूसरा उद्देश्य है आर्थिक न्याय। अधिकांशतः उत्पादन संबंधी सभी विधान औद्योगिक विवादों के कारण होते हैं। वर्तमान में आर्थिक परिस्थितियों में व्यापक रूप से एक असंतोष दिखाई पड़ रहा है, और यही असंतोष जो है वो औद्योगिक विवादों के मूल कारण है। नियोजक जो है वो अपनी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के कारण अपनी शर्तें कर्मचारियों पर लाद देता है, इसलिए श्रम शक्ति और पूंजी का आर्थिक संघर्ष संगठित मजदूरों द्वारा सामूहिक रूप में लड़ा जाता है। यदि मजदूर वर्ग संगठित हो जाता है और सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने पर उतर जाता है तो निश्चय ही पूंजीपतियों पर वो इस बात का अधिक प्रभावकारी दबाव डाल सकता है कि वे उनके श्रम का एक न्यायोचित प्रतिदान करें। मजदूरों को उनके श्रम का उचित प्रतिदान करने की स्थिति उत्पन्न करते हुए आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही राज्य लोक हितों का एक संरक्षण के रूप में राज्य द्वारा बनाए गए विनियमों यानी रेगुलेशन के द्वारा इस बीच में हस्तक्षेप करता है। हमारे संविधान द्वारा भी भारत के लोगों को आर्थिक न्याय की सुरक्षा प्रदान की गई है। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। ये 1 अप्रैल 1947 से प्रभावी हुआ है। औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है वो सामाजिक विधान की एक प्रगतिशील कदम है। जैसा कि इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि इस अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक विवादों के शोध और निपटारे के लिए उपबंध करना है। इस अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं? नियोजक और कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध सुनिश्चित करने के उपायों को बढ़ाना, नियोजकों और कर्मचारियों या कर्मकारों के बीच के औद्योगिक विवादों का शोध और उनका सुलझाव, और पंजीकृत व्यवसाय संघों या व्यवसाय संघों के फेडरेशन या कर्मचारियों अथवा नियोजकों के संघों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व संबंधी अधिकार देना है। क्या क्या अधिकार देना है? अवैध हड़तालों और तालाबंदियों को रोकना, काम से अलग रखने और छटनी के संबंध में कर्मकारों को अनुतोष प्रदान करना, और सामूहिक सौदेबाजी। इस अधिनियम का उद्देश्य उद्योगों में काम करने वाले कर्मकारों की दशा में सुधार लाना भी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि तालाबंदी, हड़ताल और तालाबंदी क्या है।
और किस धारा के अंतर्गत है? धारा 22 जो है वो हड़तालों और तालाबंदियों पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 22 का संबंध ऐसे उद्योगों में हड़तालों और तालाबंदियों से है जो कि लोक उपयोगिता सेवा के हित में संचालित है। और धारा 22 फर्स्ट, धारा 22(1) यानी धारा 22(1) में उपबंधित है कि लोक उपयोगिता सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति संविधा भंग करने के रूप में कुछ परिस्थितियों में हड़ताल पर नहीं जाएगा। तो संविधा भंग करने के रूप में किन किन परिस्थितियों पर हड़ताल में नहीं जाएगा? हड़ताल करने के पहले 6 सप्ताह की नोटिस नियोजक को दिए बिना नहीं जाएगा। ऐसी सूचना दिए जाने के 14 दिन के अंदर ऊपर कथित किसी नोटिस में उल्लिखित तिथि के बीतने के पहले हड़ताल पर नहीं जाएगा, या फिर किसी समझौता अधिकारी के समक्ष संचालित कार्यवाहियों के लंबित रहने की अवधि में और ऐसी कार्यवाहियों के समाप्त होने के बाद के 7 दिनों की अवधि में हड़ताल पर नहीं जाएगा। यहाँ ये स्पष्ट है कि ये उपबंध कर्मकारों को हड़ताल पर जाने से प्रतिषेधित नहीं करते हैं, इस बात की वांछनीयता कराते हैं कि वे भी हड़ताल पर जाने से पहले कतिपय शर्तों को पूरा करा दें। इसके उपरांत भी ये उपबंध केवल लोक उपयोगिता सेवा विषयक उद्योगों पर लागू होते हैं और लोक अनुपयोगिता सेवा पर यथावत लागू नहीं होते हैं। धारा 22(2) में उपबंधित है कि कोई भी नियोजक जो कि एक लोक उपयोगिता सेवा संचालित कर रहा है उसने कर्मकारों में से किसी के प्रति कुछ परिस्थितियों में कारखाना बंदी नहीं करेगा। किन किन परिस्थितियों में कारखाना बंदी नहीं करेगा? जैसा कि यहाँ उपबंधित है, कारखाना बंदी के 6 सप्ताह पहले कारखाना बंदी की नोटिस दिए बिना या ऐसे नोटिस देने के 14 दिनों के अंदर या ऊपर कथित किसी नोटिस में उल्लिखित बंदी की तारीख के बीतने के पहले या फिर किसी समझौता अधिकारी के समक्ष संचालित कार्यवाहियों के लंबित रहने की अवधि में और ऐसे कार्यवाहियों के संपन्न हो जाने के बाद कि 7 दिनों की अवधि के भीतर। तो ये है हड़ताल और परिस्थितियाँ। तालाबंदी की नोटिस धारा 22 के अंतर्गत तालाबंदी के लिए नोटिस का दिया जाना आवश्यक है। बिना पहले नोटिस के तालाबंदी धारा 24 के अंतर्गत अवैध होगी। धारा 22(3) में उपबंधित है कि हड़ताल या तालाबंदी के बारे में उपधाराओं पहले और दूसरे में यथा उपबंधित नोटिस के प्रतिबंध को कतिपय प्रकरणों में हटाया भी जा सकता है। किन किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है? हड़तालों की कोई नोटिस वहां आवश्यक नहीं होगी जहां की संबंधित लोक उपयोगिता सेवा में पहले से ही तालाबंदी अस्तित्व में है, और तालाबंदी की नोटिस वहां आवश्यक नहीं होगी जहां की संबंधित लोक उपयोगिता सेवा में पहले से ही हड़ताल अस्तित्व में है। नियोजक हड़ताल या तालाबंदी की सूचना उल्लिखित प्राधिकारी को उसी दिन देना होगा जिस दिन की उसकी घोषणा की गई है। जिस प्राधिकारी के नाम संसूचना का भेजा जाना वांछित है उसका नाम समुचित सरकार या साधारणता या एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए या किसी विशिष्ट लोक उपयोगिता सेवा के लिए निर्दिष्ट कर देगी। संविदा भंग करने के फलस्वरूप से सेवा की संविदा या नियोजन की संविदा का बोध होता है, भले ही वो संविदा प्रत्यक्ष या सन्निहित हो। इस बात की कोई संविदा हो ही नहीं सकती है कि कर्मकार हड़ताल पर नहीं जाएंगे। यदि ऐसी कोई संविदा अस्तित्व में है तो वैध सेवा के अंग के रूप में नहीं माना जा सकता। संविदा भंग करने का तात्पर्य होता है सेवा की शर्त को भंग करने से नहीं है, ठीक है। संविदा भंग करने का तात्पर्य ये नहीं है कि शर्त को भंग करना है। तो अधिनियम की धारा 22 या 23 के उपबंधों को भंग करने में अधिनियम की धारा 26 में वर्णित दंड उत्पन्न हो जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति को दायित्वाधीन मानने के लिए अभियोजन द्वारा 2 बातों को सिद्ध किया जाना आवश्यक है। कौन सी 2 बातें हैं? ये कि हड़ताल एक ऐसे प्रतिष्ठान में की गई थी जो कि अधिनियम की धारा 2(ड) के अर्थ के अंतर्गत एक लोक उपयोगिता सेवा का संचालन कर रहा है
और दूसरा ये है कि वो हड़ताल कर्मकारों को सेवा संविदा के भंग के स्वरूप गठित की गई थी। हड़ताल करने के 6 सप्ताह के भीतर और ऐसे नोटिस देने के 14 दिन के भीतर की शब्दावली का अभिप्राय है। इन दोनों उपबंधों को एक साथ पढ़ने पर इसका अभिप्राय ये है कि किसी लोक उपयोगिता सेवा में नियोजित व्यक्ति कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए नियोजक जो नोटिस देने के उपरांत हड़ताल पर जा सकते हैं। क्या क्या है? नोटिस देने के 6 सप्ताह के भीतर हड़ताल शुरू हो जाए और ऐसी नोटिस देने के बाद 14 दिन की अवधि पूरी हो चुकी हो। इस प्रकार हड़ताल केवल उस समय हो सकती है जबकि ऐसी नोटिस देने के बाद 14 दिन तो बीत चुके हैं लेकिन 6 सप्ताह की अवधि समाप्त नहीं हुई है। नोटिस देने के बाद ये 14 दिन की न्यूनतम अवधि जिसके भीतर की कर्मकारों को हड़ताल पर जाने से निषेधित कर दिया गया है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसके पीछे नियोजक को कुछ समय कर्मकारों की मांग पर विचार करने के लिए देना है और सरकार के श्रम विभाग को इस बात की सूचना देना है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें जिससे कि समझौता के कुछ सूत्र निकाले जा सके और प्रस्तावित हड़ताल को रोका जा सके। समझौता कार्यवाहियों के लंबित पर इस शब्दावली का प्रयोग समझौता कार्यवाहियों के लंबित पर जो है ये शब्दावली का प्रयोग 22 फर्स्ट घ में किया गया है। समझौता कार्यवाही से किसी समझौता अधिकारी के समक्ष संचालित कार्यवाही अभिप्रेत है। ऐसे प्रकरण में समझौता विषयक कार्यवाही लंबित थी और कर्मकारों का एक संघ पक्षकार था। उस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार व्यक्त किया गया है कि धारा 183 के अनुसार किया गया निपटारा केवल उन कर्मकारों को बाधित नहीं करेगा जो कि उस संघ के सदस्य थे, तो उन सभी कर्मकारों को भी बाधित करेगा जो कि इस संस्थापन में कार्य कर रहे हैं। इसलिए यदि कार्यवाही का संबंध ऐसे मामले से है जो कि सभी कर्मचारियों से संबंधित है, तो उसका लंबित होना सभी कर्मचारियों के लिए एक प्रतिरोध का काम करेगा। हड़तालों और कारखाना बंदियों पर साधारण प्रतिषेध क्या है? धारा 23 में हड़ताल और कारखाना बंदियों पर लगाया गया प्रतिषेध सर्वमान्य प्रकृति का है। प्रवर्तन लोक उपयोगिता और गैर लोक उपयोगिता संस्थापनों दोनों पर समान रूप से होता है। कर्मकारों द्वारा संविदा भंग करने के स्वरूप हड़ताल का किया जाना और तदैव रूप से नियोजक द्वारा कारखाना बंदी का किया जाना कुछ प्रकरणों में प्रतिषेधित है। किन किन प्रकरणों में प्रतिषेधित है? विवाचक के समक्ष संचालित विवाचन की कार्यवाही के लंबित रहने की अवधि में और ऐसी कार्यवाही के संपन्न हो जाने के बाद के 2 महीने की अवधि में, जहाँ की धारा 10 क की उपधारा 3 क के अधीन अधिसूचना जारी की जा चुकी है। धारा 10 क की उपधारा कौन सी? 3 क, इसके अधिसूचना जारी की जा चुकी है। श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष संचालित कार्यवाही के लंबित रहने की अवधि में और ऐसी कार्यवाही के उत्पन्न होने के बाद के 2 महीने की अवधि में और किसी भी ऐसी अवधि में जिसमें कि निपटारा या पंचायत का कार्यान्वयन ऐसे मामले में किया जा रहा है जो कि उस निपटारा या पंचायत से संबंधित है और बोर्ड के समक्ष संचालित समझौता कार्यवाही के लंबित रहने की अवधि में और ऐसे कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के 7 दिन तक। इन उपबंधों का प्रयोजन समझौता के लिए एक अनुकूल और शांतिप्रद वातावरण तैयार करना जिससे कि समझौता न्याय निर्णय का विवाचन की कार्यवाहियां सरलतापूर्वक संचालित की जा सके। ये धारा अपनी सर्वमान्य प्रकृति के कारण सभी हड़तालों और कारखाना बंदियों को आवृत कर लेती है, भले ही इन प्राधिकारियों के समक्ष लंबित कार्यवाही की विषय वस्तु कुछ भी क्यों ना हो। ये युक्तियुक्त होगा कि जब कभी किसी एक कर्मकार के हित रक्षा हेतु कर्मकारगण उससे संबंधित मामले के संबंध में औद्योगिक विवाद खड़ा करते हैं तो ऐसे विवाद के न्याय निर्णय के लंबित रहने की अवधि में उन्हें हड़ताल से रोका जाए। अब अवैध हड़तालों और कारखानिया बंदियां क्या हैं? धारा 24 फर्स्ट
धारा 24(1) के अनुसार हड़ताल या कारखाना बंदी कुछ परिस्थितियों में अवैध होगी। किन किन परिस्थितियों में? लोक उपयोगिता सेवा में उसका प्रारंभ या घोषित किया जाना धारा 22 का खंडन करता हो, उसका प्रारंभ किया जाना धारा 23 का खंडन करता हो, और धारा 10(3) या धारा 10(क) की उपधारा 4(क) के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा किए गए आदेश का निरंतरित खंडन करता हो। अवैध हड़तालों के लिए क्या दंड है? कर्मकारों को हड़ताल करने का यदि मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है तो भी एक अधिकार अवश्य प्राप्त है। यदि कोई हड़ताल अवैध है तो उसकी अवैधता के लिए दोषी पक्षकार अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत दंड का भागी है। यहाँ तक कि अवैध हड़तालों के संबंध में भी एक वर्गीकरण फर्स्ट अवैध, लेकिन न्यायोचित हड़ताल दो अवैध और अनायुक्त हड़ताल के रूप में किया गया है, यद्यपि ये वर्गीकरण वैध नहीं माना जाएगा। जब कभी भी किसी कर्मकार की विरुद्ध जब्ती की कार्यवाही की जाती है इस आधार पर कि उसने अवैध हड़ताल में भाग लिया है और कार्य पर उपस्थित नहीं रहा हो, तो ये आवश्यक है कि इस कार्यवाही के पहले उसे सुने जाने का उचित अवसर प्रदान किया जाए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किए बगैर जब्ती की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। हड़ताल के पर्यवसान के उपरांत कर्मकारों को बहाल किए जाने विषयक अधिकार क्या हैं? हड़ताल करने वाले कर्मकार का हड़ताल की समय पर काम पर बहाल करने का अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो हड़ताल नियोजक की ओर से अनुचित श्रम अभ्यास अपनाने के परिणाम स्वरूप है या फिर नहीं। यदि वो हड़ताल ऐसे अनुचित श्रम अभ्यास का परिणाम है जिसके लिए कि नियोजक को दोषी कहा जा सकता है, तो कर्मकारों को बहाल किए जाने का अधिकार प्राप्त है। इसके विपरीत यदि नियोजक अनुचित श्रम अभ्यास करने का दोषी नहीं है और उसने मध्यवर्ती समय में काम को संचालित करने के लिए दूसरे कर्मकारों को नियोजित कर लिया है, तो हड़ताली कर्मचारियों को बहाल किए जाने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। पूर्ववर्ती प्रकरण में आवश्यक है कि हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद भले ही नियोजक ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में कार्य को संचालित करने के लिए दूसरे कर्मकारों को नियोजित कर लिया हो, तब भी हड़ताली कर्मचारियों को कार्य पर बहाल करें। अनुचित श्रम अभ्यास क्या है? ये इस अधिनियम की अनुसूची 5 में दिया गया है। यदि हड़ताल उचित है तो किसी कर्मकार को अवैध हड़ताल में भाग लेने के लिए पदच्युत नहीं किया जा सकता है। अवैध हड़तालों और कारखाना बंदियों को आर्थिक सहायता पहुँचाने पर प्रतिबंध, ये जो है प्रतिबंध धारा 25 अवैध हड़तालों और अवैध कारखाना बंदियों दोनों को ही आर्थिक सहायता पहुंचाने से प्रतिषेधित करती है। कौन? धारा 25। इस धारा में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी अवैध हड़ताल या कारखाना बंदी को प्रत्यक्ष बढ़ावा देने या समर्थन करने में किसी धन का व्यय या प्रयोग नहीं करेगा। इसके अनिवार्य तथ्य हैं, जो व्यक्ति धन का व्यय कर रहा हो उसे इस बात की जानकारी हो कि हड़ताल या कारखाना बंदी अवैध हैं, और धन का व्यय करना या लगाना हड़ताल या कारखाना बंदी यथावर्त अवैध हो, और किसी अवैध हड़ताल या कारखाना बंदी के प्रत्यक्ष अग्रसरण में धन का व्यय करना या लगाना। अब हड़ताल और तालाबंदी के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी स्ट्राइक एंड लॉकआउट। हड़ताल कितने प्रकार के हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स। हड़ताल के अनेक रूप होते हैं। इसके विभिन्न रूपों में हड़ताल का प्रकार कहते हैं। विद्वानों के द्वारा हड़ताल के कुछ महत्वपूर्ण रूप इस प्रकार बतलाए गए हैं। तो विद्वानों द्वारा देखते हैं हड़ताल के कितने प्रकार होते हैं। आम हड़ताल यानी जनरल स्ट्राइक, जब किसी भी शहर में या किसी स्थान पर एक साथ अनेक उद्योगों में हड़ताल कर दिए जाएं, तो उस प्रकार के हड़ताल को आम हड़ताल कहते हैं। कौन सा हड़ताल कहते हैं? आम हड़ताल कहते हैं। भारत में पहली बार आम हड़ताल की लहर हुई थी 1921 में, बंबई में शुरू हुआ था, और 1934 तक अनेक शहरों में आम हड़ताल किए गए। इसके बाद विशिष्ट हड़ताल होता है। विशिष्ट हड़ताल यानी पार्टिकुलर स्ट्राइक बोलते हैं इसको। ये हड़ताल किस प्रकार का हड़ताल है? जब हड़ताल किसी एक कारखाना में किए जाएं
तो उस प्रकार के हड़ताल को विशिष्ट हड़ताल कहते हैं। ये जो है कारखाना में किया जाता है। यदि हड़ताल केवल टिस्को या टेल्को में किया जाए तो इसे विशिष्ट हड़ताल का नाम दिया जाता है। इसके बाद आता है संगठित हड़ताल, यानी ऑर्गेनाइज स्ट्राइक क्या है। जब किसी उद्योग में हड़ताल करने के पहले काफ़ी तैयारी कर लिया जाए और सभी तैयारियों के बाद हड़ताल किया जाए तो उस प्रकार के हड़ताल को ऑर्गेनाइज स्ट्राइक यानी संगठित हड़ताल कहा जाता है। मतलब कि पहले से ही इसका प्लान कर लिया जाता है, उस प्रकार की हड़ताल को संगठित हड़ताल कहते हैं। अब असंगठित हड़ताल किस प्रकार की हड़ताल होती है, यानी अनऑर्गेनाइज स्ट्राइक। अब ये इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। जब किसी उद्योग में हड़ताल बिना किसी तैयारी के एकाएक कर दिया जाए तो उस प्रकार के हड़ताल को असंगठित हड़ताल कहा जाता है। प्राधिकृत हड़ताल यानी ऑथराइज्ड हड़ताल, ये किस प्रकार का स्ट्राइक है। डैंकर्ट महोदय ने अपनी पुस्तक में कहा है कि जब कोई मजदूर संघ अपनी आम सभा की बैठक बुलाए और उस बैठक में हड़ताल पर जाने के लिए मतदान कराए यानी स्ट्राइक बैलोट, और उस मतदान के बाद हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया जाए तो उस प्रकार के हड़ताल को प्राधिकृत हड़ताल कहा जाता है, यानी ऑथराइज स्ट्राइक कहा जाता है। छठा हड़ताल, ये किस प्रकार का हड़ताल है। अनधिकृत हड़ताल यानी अनऑथराइज स्ट्राइक। यदि कोई मजदूर संघ बिना हड़ताल पर मतदान कराए यानी विदाउट स्ट्राइक बैलोट अपने मन से हड़ताल पर जाने का निर्णय ले ले तो उस प्रकार के हड़ताल को अनऑथराइज्ड हड़ताल कहते हैं, यानी अनधिकृत हड़ताल कहा जाता है। अब अगला हड़ताल है त्वरित हड़ताल। ये किस प्रकार का हड़ताल है, यानी क्विकी और लाइटनिंग स्ट्राइक। जब किसी घटना को लेकर मजदूर एकाएक हड़ताल कर दे तो उस हड़ताल को त्वरित हड़ताल कहा जाता है। जंगली बिल्ली हड़ताल यानी वाइल्ड कैट स्ट्राइक, ये किस प्रकार का हड़ताल है। डैंकर्ट महोदय ने अपनी पुस्तक में कहा है कि यदि घटना को लेकर के मजदूर एकाएक हड़ताल पर चले जाए और कुछ ही समय में हड़ताल को बंद बंद कर दे तो इस प्रकार के हड़ताल को वाइल्ड कैट स्ट्राइक कहा जाता है। मतलब एकाएक हड़ताल जो है वो समाप्त हो जाता है। जिस तरह जंगल में बिल्ली आती है और चली जाती है, उसी तरह वाइल्ड कैट स्ट्राइक यानी जंगली बिल्ली हड़ताल शीघ्र उत्पन्न होते हैं और शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। अगला हड़ताल है राजनीतिक हड़ताल यानी पॉलिटिकल स्ट्राइक। जब किसी राजनीतिक कारण को लेकर के मजदूर हड़ताल पर चले जाएँ तो उस प्रकार के हड़ताल को राजनीतिक हड़ताल कहा जाता है। आज भारत में बिहार बंद, उद्योग बंद, भारत बंद जैसी घटनाएं जो हैं वो राजनीतिक हड़ताल के ही उदाहरण हैं। अवैध हड़ताल यानी लीगल स्ट्राइक। जब किसी देश में हड़ताल उस देश के कानूनों के नियमों का उल्लंघन करते हुए किया जाए तो उस प्रकार के हड़ताल को लीगल हड़ताल यानी अवैध हड़ताल कहा जाता है। इस प्रकार के हड़ताल जो है वो कई रूप में, जिनको की संक्षिप्त चर्चा ऊपर की गई थी उसमें किया गया है। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट। हमारे देश के संविधान में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। देश में रहने वाले सभी नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार प्रयास करेगी। यदि हड़ताल करने का अधिकार मुक्त रूप से सबको प्रदान किया कर दिया जाए तो इससे संगठित लोगों की स्थिति यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर सुधर जाएगी, लेकिन असंगठित कमजोर वर्ग की स्थिति और दयनीय हो जाएगी क्योंकि इस प्रकार के लोग हड़ताल नहीं कर सकते हैं। इसलिए देश में सभी लोगों के कल्याण को दृष्टिकोण में रखते हुए हड़ताल का अधिकार मुक्त रूप से नहीं दिया जा सकता है। इस पर नियंत्रण अवश्य लगा दिया जाना चाहिए। इसके बाद आगे जो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो होगा मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, जिसको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी और इस नेक्स्ट वीडियो पे इस टॉपिक पे हम पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।